Hello, how are you? Mm, you are watching my channel. Good. Today, mm, we are going to learn. This is lesson 10. What is the lesson? The Man with the Coconuts. When you go to school, do you walk fast or slow? जब आप स्कूल जाते हो तो क्या आप तेज़ी से घूमते हो या आस्था What do you think? आप क्या सोचते हो Can happen. क्या होगा If you walk too fast, अगर आप तेज़ी से जाओगे तो क्या होगा वाट माइट हैपन फिर क्या होगा इफ यू वॉक टू स्लोली अगर आप आता आस्ता जाओगे तो फिर क्या होगा वन hmm. डे एक दिन ये कॉमा ठीक अमैन ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है अ इसलिए लिखा अगर बाद में यही मैन आएगा तो हम इसके साथ द लिखेंगे ठीक है ये ऑर्टिकल है ये मींस आपके साथ इंट्रोड्यूस किया गया अ मैन और इसका असल मकसद ये है कि अभी मैंने आपको इसके हवाले से बताया या इस किताब वाले ने इस मैन के बारे में सबको बताया जो पढ़ रहे हैं ठीक है अभी और सॉरी अगर बाद में यही मेन लिखा जाएगा तो हम इसके आगे द लगाएंगे मींस पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया अभी वही मैन का हम जिक्र कर रहे हैं ठीक अब ख़ुद देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे यही मैन के साथ ये ऑथर ने द इस्तेमाल किया मींस जो स्पीकर है न? और जो लिसनर है पहले उनके साथ इंट्रोड्यूस किया गया अभी दोनों इस मैन के बारे में जानते हैं ठीक ये अ मैन वेंट आउट ये पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस है ठीक है गो आउट से निकला गो आउट सेकंड फॉर्म वेंट आउट होगा थर्ड फॉर्म गॉन आउट मींस एक शख्स बाहर गया किस लिए टुगेदर कोकोनट्स कोकोनट्स को इकट्ठा करने के लिए एक शख्स बाहर गया एक, दन, एक दिन सॉरी एक दिन एक शख्स कोकोनट्स नारियल को इकट्ठा करने के लिए बाहर गया ये टेंस में ये फुल स्टॉप एक्चुएशन जब आ, कोई सा भी सेंटेंस अगर मुकम्मल होगा तो हम कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे ही फाउंड अभी ये किसके तरफ इशारा है ये प्रोनाउंडेड इस yes, मैन की तरफ इशारा है अगर इधर उसका नाम लिखता तो ये इधर ही लिख सकते थे ठीक है ही फाउंड किसने एक शख्स ने देखा क्या मैनी कोकोनट्स बहुत से कोकोनट्स एंड पुट देम और पुट देम ऑल ऑन हिज हॉस कार्ट तो उसने क्या किया उसने He found many coconuts. उसने मैनी coconuts देखे और put them all उन सब को रखा किस पर On his horse cart. अपने हाउस काट पे रखा हिज हमने क्यों इस्तेमाल किया इस ऑथर ने क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ठीक है ही के साथ हमेशा हिज आएगा जब इसका मतलब बनेगा अपना ठीक है अगर आय होता तो इधर माय आता यानी मैं अपना अगर यू होता तो इधर यू और आता ठीक है अगर वी होता इधर तो इधर आता और ओ यू आर और अगर दे होता टी एच ई वाई दे होता तो दे और आता कौन सा देयर हाँ टी एच ई आई आर दे ठीक है अगर इधर शी होता एस एच ई शी होता तो इसके साथ हम लिखते हर मीन्स मैं अपना हुँ, तुम अपना यू, यू आर हम अपना वी आवर के साथ आएगा ठीक है और श, वो अपना ठीक है और ये फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन ही हर ठीक इसके साथ हम बाद में हम इसको पढ़ेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन है ठीक है ये मैन की जगह पे इस्तेमाल हुआ तो क्या हमने पढ़ा एक शख्स कोकोनट्स इकट्ठा करने के लिए बाहर गया उसने बहुत से कोकोनट्स देखे और उन सबको अपने हॉस कार्ट में रखा पुट मीन्स रखा ये पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट ठीक ऑन हिज वे होम ही मेट अ बॉय अभी देखो इधर जो अब बॉय ये भी इंट्रोड्यूस ये किया जा रहा है अब बॉय अभी जो भी बॉय आगे आएगा अभी स्पीकर ने आपके साथ ये इंट्रोड्यूस कर दिया अभी लिसनर जो है मींस यू ऑल तो आप अभी इस बॉय के बारे में जानते हैं बाद में जब ये बॉय आएगा तो इधर ऑथर ने द लेखा फिर क्या हुआ स्पीकर मीन्स मे और लिसनर मीन्स यू अभी आप इसके बारे में जानते हो इसीलिए ये फिर ऑर्टिकल ऑमिट किया जाएगा इसकी जगह द लिखा जाएगा ऑन इज वे होम जब वो घर जा रहा था ही मेट अ बॉय उसने एक लड़का देखा यह भी सिंपल है मेट फर्स्ट फॉर्म एम डबल ई टी ठीक सेकंड फॉर्म एम ई टी थर्ड फॉर्म एम ई टी क्योंकि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंपल पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा ठीक है ऊपर ये वेंट आउट फाउंड ये सब पास्ट है और ये भी मीट भी पास्ट है ये फुल स्टॉप हो गया फिर अभी देखो द मैन तो क्या हुआ पहले जो हमने ये पढ़ा था अमैन ठीक है इसके बाद इस ऑथर ने द मैन लिखा मीन्स अभी आप स्पीकर और लिसनर दोनों इसके हवाले से जानते हैं पहले आपके साथ इंट्रोड्यूस किया गया था अभी आ, इसके बारे में आपको पता है ठीक तो द मैन ये आ, इसने लिखा है अगर कोई कह दे कि आई बॉट अ काइट ठीक वो काइट आपको दिखा रहा है ठीक अभी अभी उसी काइट के बारे में अगर वो जिक्र करेगा या बयान करेगा तो कहेगा द काइट इज़ वेरी ब्यूटिफुल इंडीट अभी द काइट कहेगा या बोलेगा क्योंकि पहले उसने इंट्रोड्यूस करवाया बाद में स्पीकर और लिसनर दोनों अभी इससे वाकिफ़ हैं तो इसीलिए द लिखा गया ये भी इसी तरीके से द मैन हम्म उस उसने पूछा उस शख्स ने पूछा क्या हाउ लोंग विल इट टेक टू रीच माई हाउस उसने किस से पूछा उस लड़के से पूछा एक लड़का में मिल, मिला उसको तो उसने पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माई हाउस मुझे घर पहुँचने में hmm, कितना टाइम लगेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टेक मीन्स लगेगा टू रीच ये इन्फिनेटिव है ये इन्फिनेटिव जैसा हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर आई वांट टू ड्रिंक मिल्क आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो ठीक ये जो है इन्फिनेटिव ये इंटेंशन बताता है तो इसलिए वो पूछे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माना पहुंचने में मेरे माय हाउस माना मुझे घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन मार्क ये कोटेशन उसने उसके जो अल्फाज हैं वो इसलिए हमने डबल कोटेशन जब भी आप बोलो तो कोई सा भी जो भी अल्फाज ही सेट ही सेट टू मी ठीक है वेयर आर यू गोइंग अभी ही सेट टू मी कॉमा लगाएंगे वेयर आर यू गोइंग ये डबल कोटेशन लगाएंगे मीन्स उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो ये कोई सा भी बात होगा किसी के जो अल्फाज होंगे वो हम उसके साथ ये आ, डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे ये उल्टा फिर ये सीधा और बड़ी बात ये है सोचने की कि जो क्वेश्चन मार्क है ये बिल्कुल हम इसके इनसाइड रखेंगे अगर इधर क्वेश्चन मार्क नहीं होता ये तो सवाल पूछा गया अगर ये अफर्मेटिव में होता तो हम पीरियड या स्टॉप जो ब्रिटिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप कहते हैं वो भी हम इधर लगाते थे ठीक है आगे आए द बॉय लुक्ड एट द दी लोड ऑफ कोकोनट्स उस लड़के ने देखा एट द हैी लोड मीन्स कोकोनट्स के लोड को देखा हैवी मीन्स बहुत वजनी लोड मीन्स वज़न बहुत वजन किसके कोकोनट्स के बहुत वजन को देखा जो उसने आस काट में रखे हुए थे ठीक एंड सेड फिर क्या ये बॉय कहता है ये कामा अभी बॉय के जो अल्फाज हैं वो कोटेशन मार्क में आएंगे ठीक है इफ़ यू गो स्लोली इफ यू गो स्लोली या बेसिकली इधर कामा आना चाहिए था आप जब भी लिखें ये कंडीशनल टेंस है तो इसके साथ हम कामा इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू गो स्लोली और बड़ी बात ये दैट इफ़ यू गो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जब भी इफ के साथ कोई सा भी आप क्लास लिखेंगे पहला वाला वो हमेशा सिंपल टेंस में आएगा इसके बाद हम कामा लगाएंगे आगे जो सेकंड क्लास है वो फीचर्स फ्यूचर feature में आएगा यू विल रीच वेरी सोन इफ यू गो स्लोली अगर आप आस्था जाओगे कॉमा यू विल रीच वेरी सोन आप जल्दी पहुँचोगे फुल स्टॉप बट और इफ़ यू गो फास्ट अभी ये बॉय किस को कह रहा है उस मैन को कह रहा है इफ़ यू गो फास्ट अगर आप तेज जाओगे इट विल देखो यहाँ कामा ये ऑप्ता ने लगा दिया इट विल टेक यू ऑल डे इट विल टेक यू ऑल डे क्या होगा टू रीच यूर होम ये जो उसके अल्फाज हैं फिर कोटेशन मार्क ओवर हो गया और ये आप देख रहे हैं फुल स्टॉप इस कोटेशन मार्क के अंदर इस्तेमाल की जाती है या लगाई जाती है और उसने कहा इफ़ यू गो फास्ट अगर आप तेजी से जाओगे इट विल टेक यू ऑल डे तो आपको पूरा दिल लगेगा कहाँ टू रीच यूर हाउस आपको अपने घर पहुंचने में पूरा देर लगेगा दो अल्फा उसने कहा अगर आप स्लो जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे। अगर आप तेज़ी से जाओगे तो आपको पूरा दिन लगेगा ठीक घर पहुंचने में सरप्राइज टू लिसन ऑल ऑफ स्ट्रेंच रिप्लाई ऑफ द बॉय ना वी आर गोइंग टू सी horse cart and what's happening with the man that's the man yes hmm. that's the man and that's the horse of that man hmm. just yes it's i think it's a good hmm. to some extent yeah the man thought a be a say a nikla think se nikla. और देखो ये द मैन हो गया पहले पहले जब हमने ये इसका पढ़ा था इंट्रोड्यूस उसने किया था मैन के साथ फिर इसके बाद ये इंट्रोड्यूस लिसनर्स को हो गया अभी स्पीकर और लिसनर इस बार के, इसके बारे में जानते हैं तो इसने देखो द मैन इस्तेमाल किया फिर ये आखिर तक ये द मैन ही लिखा जाएगा ठीक है ये ग्रामर का एक रूल है द मैन थाट ये थाट मीन्स ये थिंक से लिख रहा है टी एच आई एन के टू थिंक मीन्स सोचना फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म थाट टी एच ओ यू जी एच टी फिर थर्ड फॉर्म टी एच ओ यू जी एच टी ठीक थिंक थाट थाट हमेशा जब भी सिंपल टेंस बनेगा तो हमेशा इसका सेकेंड फॉर्म आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा द मैन थॉट अबाउट द स्ट्रेंज रिप्लाई उसने आ, उस शख्स ने ठीक है अजीब जवाब के बारे में सोचा एंड बिगैन क्या किया शुरू किया टू हवि हिज हॉर्स घोड़े को तेज़ करना शुरू किया जब बॉय ने कहा कि अगर आप स्लो जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे अगर आप तेज़ी से जाओगे तो आपको एक दिन लगेगा घर पहुंचने में तो उस शख्स ने सोचा ऐसा स्ट्रेंज इस रिप्लाई बॉय क्यों दे रहा है तो उसने क्या किया घोड़े को और भी दौड़ाया इस हॉर्स और क्या हुआ आप देख रहे हो द कोकोनट्स फेल ऑफ ये आप देख रहे हो ये सारे के सारे ये कोकोनट्स ये जमा में लिखा हुआ है ठीक है ये फॉर्म में लिखा हुआ है आप देख रहे हो इसमें ये कितने कोकोनट्स हैं बहुत से कोकोनट्स हैं थोड़ा व्यू ये कम आ रहा है ऊपर वाला हम पैराग्राफ को थोड़ा हाइड करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये हॉटस्कार्ट नज़र आए और इसमें से कोकोनट्स गिर रहे हैं गिर रहे हैं वन टू थ्री यू कैन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स हम्म मोर देन ट्वेंटी सिक्स आई थिंक सो ये हौस काट है ये देखा है, ये हौस ये उसका जो काट है ठीक इस शख्स ने उस लड़के से पूछा hm, मैं घर जा रहा हूँ मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ कोकोनट्स आपने देख लिए इसमें से बहुत से कोकोनट्स द कोकोनट्स फेल ऑफ मीन्स ग्रे फे ये, ये फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है इसका फर्स्ट फॉर्म बनेगा फॉल टू फॉल एफ ए डबल एल फिर सेकेंड फॉर्म जब भी सिंपल पास्ट में आएगा तो हम लिखेंगे फैल ठीक है फिर थर्ड फॉर्म फैलन एफ ए डबल एल ई एन फॉल फैल फैलन फेल ऑफ मीन्स कोकोनट्स उसके गिरे एंड ही हैड टू स्टॉप जाहिर सी बात है उसके जो अब कोकोनट्स गिरे तो क्या करना था उनको एंड पिक दम अप पिक अप मीन्स गिरी हुई चीज़ को उठाना अभी ये कोकोनट्स सारे कोकोनट्स इसके ज़मीन पे गिर गए तो उसको उठाने के लिए हम पिक इस्तेमाल करते हैं पिक दैम क्यों लिखा ये थोड़ा आप सोचने की बात है ये कोकोनट्स हैं ठीक इसीलिए ये पलियोर फॉर्म में ठीक ये एक दैम जो है ना ये कोकोनट्स की तरफ इशारा कर रहा है ये दैम जो है कोकोनट्स की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि ये पेयोर फॉर्म में लिखा हुआ है थोड़ा अभी आप इस तस्वीर के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें ठीक हाँ एक शख्स था ठीक है वो उसने कुछ कोकोनट्स इकट्ठा किए और उसको अपने इस हॉस्कॉट में रखा ठीक है वो जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसने रास्ते में किसी बॉय से पूछा मुझे बताओ मैं घर कब पहुंचूंगा उस बॉय ने जब देखा कि भाई इसके हॉर्स काट में बहुत से कोकोनट हैं ये बड़ा हैवी लोड है इसके हॉर्स काट में उसने कहा अगर आप स्लो जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे अगर आप तेज़ी से जाओगे तो आपको एक दिन लगेगा ये शख्स उस लड़के ने इस शख्स को बोला इसने पूछा भी इसने था ये हैरान हो गया कि भाई ये तो मैंने लड़के से पूछा क्या और इसने तो इस्ट्रेच रिप्लाई दे दिया तो इसने क्या किया जब लड़के ने ऐसा कहा तो इसने अपने हार्स को हरी किया हरी हि हार्स उसके बाद नतीजा क्या हुआ इसके सारे के सारे कोकोनट्स इसके जो काट में थे ये से ये काट काट में थे वो सब नीचे गिरे जाहिर सी बात है अभी ये सब नीचे गिरे हुए हैं इनको उठाने के लिए उसे हाँ अपने घोड़े को रोकना था ठीक है और इन सब को उठाना था और इसमें दोबारा इसको पुट करना था फिर घर की तरफ जाना था ये आप देख रहे हो ये मुकम्मल सा व्यू है ठीक है हम ऊपर भी पैराग्राफ आप, आप इसको ज़ाहिर करते हैं तो आप क्या आपको आसानी हो दोबारा ठीक है ये वाला है ये ठीक और इसका लेसन हम पहले इसके इसको हम पढ़ चुके हैं ये वाला पेज हमारा हुआ है और हम जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ ये हो गया देन देन द मैन हरीड अगेन ठीक फिर सबको उठाया उसको हाथ काट में रखा फिर जल्दी किया अगेन दोबारा टू मेकअप मीन्स मेकअप मीन्स पूरा करना कोई सा भी कमी हो टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम अभी ये लॉस्ट टाइम जो गुजरा हुआ वक्त था ठीक है उसको पूरा करने के लिए उसको पूरा करने के लिए उसने अपने हॉर्स काट या घोड़े को और भी दौड़ाया द मैन हरीट अगेन टू मेक अप फॉर द लास्ट टाइम ये जो लॉस्ट ये लू से निकला है एल ओ ए सी फिर होगा लॉस्ट थर्ड फॉर्म दोबारा होगा लॉस्ट ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं एजेक्टव जैसा हम कह सकते हैं ब्रोकन चेयर ब्रोकन चेयर ये एडजेक्टिव तौर तो इस्तेमाल हुआ है चेयर जो है ये नाउन है और आपको हमेशा पता है कि जब भी हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं या तो वो अलग इस्तेमाल होगा या वो डिस्क्राइब नाउन करेगा या मॉडिफाई नाउन करेगा मींस कहने का ये कि वो नाउन से पहले इस्तेमाल होगा या अलग इस्तेमाल होगा ये अभी ब्रोकन चेयर ये ब्रोकन चेयर ये कहाँ से आया ये ब्रेक से आया ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकफास्ट फॉर्म बी आर ई ए के ब्रेक फर्स्ट फॉर्म ब्रोक बी आर ओ के ई ब्रोक सेकंड फॉर्म ब्रोकन बी आर ओ के ई एन ब्रोकिन थर्ड फॉम ठीक है यही थर्ड फॉर्म को हम एज एग्जेक्ट तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे तो वो हम पढ़ेंगे ये थर्ड फॉम हमेशा प्रजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के चांसेस में इस्तेमाल होता है लेकिन या एज अ एग्जेक्ट तौर इसको इस्तेमाल किया गया ये लूज से निकलाए एल ओ एस सी टू लूज लॉस्ट एल ओ एस टी लॉस्ट फिर लॉस्ट ये भी वह आपका था लास्ट टाइम वो इसलिए उसने देखा कि भाई बहुत से कोकोनट्स नीचे गिरे फिर उनको उठाने में उनको टाइम लगा उसने देखा वाह वाह मुझे तो बहुत टाइम हो गया मैं मेरा घर तो अभी दूर है तो उसने क्या किया फिर घोड़े को दौड़ाया और दोबारा ये सोचा कि जो आ, टाइम में गुजर गया उसको पूरा करूँ मेकअप करूँ ठीक है ये इन्फिनेटिव फॉर्म है ये हमेशा जुमले में आएगा टुक के साथ आएगा जब हम वर्फ पढ़ेंगे तो भी इसका यही होगा टू मेकअप टू हरी लेकिन जब ये मैन वरफ जुमले में आएगा तो इसका जो टू है तो हम ऑमिट कर देते हैं लेकिन ये इंफिनेटिव में टू तो का टो तो इधर लिखा जाता है ठीक आ गयाते हैं ये फुल स्टॉप हो गया ब्रिटिश लैंग्वेज हमें इसको फुल स्टॉप और अमेरिकन लैंग्वेज में इसको हम पीरियड कहते हैं ठीक है अगेन अभी जब फुल स्टॉप हो गया तो ये पहला जो सेंटेंस अभी जो सेंटेंस शुरू हुआ इसका पहला पहला आ, ये लेटर हमेशा ये कैपिटल में होगा अगेन द कोकोनट्स फेल दोबारा उसके कोकोनट्स जो थे वो गिरे फेल ये फॉल इसका फर्स्ट फॉर्म एफ A डबल एल एफ ई डबल एल सेकेंड फॉर्म फलन एफ ए डबल एल ई एन थर्ड फॉर्म गिरे एंड द मैन हैड टू स्टॉप अगेन अभी उसने अपने घोड़े को दौड़ाया ठीक है फिर उसको स्टॉप करना था टू पिक दैम अपर पिक दैम अपनेट सारे नीचे गिरे थे पिक दैम अप पिक अप हम करते हैं जो नीचे हुई गिरी चीज़ को उठाना पिक दैम अप अगेन एड अगेन द मैन हरीड बार बार उसने जल्दी पहुँचने की कोशिश की अगेन एंड अगेन बार बार द कोकोनट्स फेल ऑफ वो नीचे गिरे जैसा आपने पहले तस्वीर में देखा ठीक है एंड अगेन एंड अगेन बार बार द मैन देखो इसने दोबारा द मैन लिखा क्योंकि वो पहले पहले इसका इंट्रोड्यूस हमें करवाया था पहले पहले वाले सेंटेंस में इसने मैन लिखा था ठीक है मैन uh, लिखा था बाद में ये द मैन लिखता रहेगा जब तक uh, ये लेसन पूरा ना हो जाए द मैन है टू स्टॉप एंड पिक दैम वो उसको स्टॉप करना ही था और उन सबको उठाना ही था ठीक है वैसे तो वो खाली नहीं जाता खाली भाई नीचे गिरे हुए चीज़ें कोकोनट्स हैं वो नीचे गिरे हुई चीज़ें उस वो इसलिए आया था कि भाई हाँ काट मेरा भर भर गया मैं इसे लेके जा रहा हूँ घर वो इसके गिर रहे थे वो दोबारा वो उठा रहा था वैन अभी ये फुल स्टॉप ये पीरियड अभी ये नया सेंटेंस शुरू हुआ है तो हमने कैपिटल लेटर के साथ डब्ल्यू लिखा हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है ठीक है वैन एट लास्ट आखिरकार ही रीच्ड वो पहुँचा ये पास टेंस में ये टू रीच मीन्स पहुँचना आर ई ए सी एच टू रीच में इस ये सेकंड फॉर्म है रिचड आर ई ए सी एच ई टी ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी रिचड होगा आर ई ए सी एच डी आर ई ए सी एच ई टी सॉरी हमेशा जब भी किसी वर्ब के एंड में ई e डी आएगा तो उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होगा जैसा टू रीच